ফিরে এলাম বিরতি পর। লোকসভায় আলোচনা করা হচ্ছে মহিলা সংরক্ষণ বিল নিয়ে এবং সেখানে 128তম সংশোধনী যে রয়েছে সেটা নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। সরাসরি চোখ রাখবো সেদিকে। நீங்கள் தொடர்பு படுத்துகிறீர்கள், உங்கள் பல ஜும்லாக்களில் இதுவும் ஒன்று என்று எங்களுக்கு தெரிகிறது. ஆனால் நாங்கள் இந்தியா கூட்டணி வருகின்ற தேர்தலில் சோனியா காந்தி அவர்களின் வழிகாட்டுதலில் மகளிர் இடஒதுக்கீட்டு மசோதாவை நாங்கள் செயல்படுத்துவோம் என்ற உறுதியை இங்கே நான் கொடுக்கிறோம். நன்றி. बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नम कुरु मे देवा सर्व कार्येषु सर्वदा। गणेश चतुर्थी पर हम सब लोग पुरानी लोकसभा के भवन को छोड़कर नए भवन के अंदर हम सब लोगों ने प्रवेश किया है और उसमें सबसे पहले जो बिल आया है वो महिला आरक्षण पर आया है। इस बात के लिए मैं पूरे हिंदुस्तान की महिलाओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूं और माननीय प्रधानमंत्री जी को तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूं। आदरणीय सभापति महोदय, ये एक ऐतिहासिक बिल है और भारत की महिलाएं आश्वस्त थी कि ये काम अगर कोई कर सकता है तो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं, क्योंकि बीते कालखंड में भारतीय जनता पार्टी ने जितने भी संकल्प किए हैं उन सब को सिद्ध करने का काम अगर किसी ने किया है तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, हमारी भाजपा की सरकार ने किया है, संकल्प से सिद्धि की ओर। मैं कहना चाहती हूं सभापति महोदय कि ये अमृत काल की बेला है। इस अमृत काल में हम जिस तरह से शनय शनय विकसित भारत की तरफ बढ़ते जा रहे हैं उसी की एक वानगी है कि ये जो बिल इस नई लोकसभा के अंदर प्रस्तुत हुआ है। आदरणीय सभापति महोदय, सबसे पहले हमारे दुबे जी ने हमारी पार्टी की तरफ से इसमें अपने विचार रखे और उन्होंने बताया कि उनके माताजी एम्स में एडमिट हैं, तो मैं भी ये कहना चाहती हूं कि हम जिस उम्र में हैं मेरी माताजी भी हॉस्पिटल में एडमिट हैं और वहां से मुझे लगता है कि वो अपनी बेटी को बोलते हुए जरूर देख रही होंगी। उन्होंने 9 महीने तक मुझे अपनी कोख के अंदर रखा और हर मां अपने बच्चे को कोख में रखती है। एक मां जो है उसका फ्लैश और ब्लड वो लड़के को भी उतना ही मिलता है जितना लड़की को मिलता है, तो इसलिए मां प्रकृति ने कोई भेदभाव जो है वो आदमी या औरत में नहीं किया। तो मैं मेरी माताजी को तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूं कि उन्होंने मेरे अंदर जो आत्मविश्वास पैदा किया। हम लोग 4 बहन भाई हैं सभापति महोदय, 2 बहनें और 2 भाई, लेकिन हमें आज तक ये महसूस नहीं हुआ कि हम महिलाएं हैं या हम लड़की हैं तो किसी भी मामले में हम कमतर हो सकती हैं। तो जो आत्मविश्वास हमारी माताजी ने, क्योंकि मां प्रथम गुरु होती है, हमारे अंदर पैदा किया, उसको हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और हमारे संगठन ने समझा और परखा और 2014 के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने मुझे अपना अभिन्न अंग बनाया। मैं तहे दिल से इस बात के लिए भारतीय जनता पार्टी का धन्यवाद करना चाहती हूं सभापति महोदय। सभापति महोदय, नारी को देवी की तरह पूजा जाता है हमारे प्राचीन उसमें आपने सुना ही होगा। हम कहते हैं कि या देवी प्रपन्नार्थ हरे प्रसिद्ध प्रसिद्ध देवी मात्र जगतो अखिलस्य प्रसिद्ध विश्वेश्वरी पाहि विश्वम तोमीश्वरी देवी चराचरस्य। इस पूरे चराचर के अंदर जो है वो मां प्रकृति मां भगवती है जो विराजमान होती है बिना किसी भेदभाव के होती है। लेकिन सभापति महोदय, मुझे बहुत अफसोस है इस बात का कि आज हम उस मंत्र से यहां पहुंच गए हैं जिसमें हम कहते हैं कि उसे हम पर तो देते हैं मगर उड़ने नहीं देते। हमारी बेटी बुलबुल है मगर पिंजरे में रहती है। हम कहां से कहां पहुंच गए सभापति महोदय। मैं ये कहना चाहती हूं सभापति महोदय
कि आज जो ये बिल यहाँ पर प्रस्तुत हुआ है, आज रानी लक्ष्मीबाई, सरोजनी नायडू, अरुणा असफ अली, सुमित्रा महाजन जी, सुषमा स्वराज जी, हमारी सुचेता कृपलानी जी जो कि हरियाणा से ही थी, कल्पना दत्ता जी और हमारी बहुत सी फ्रीडम फाइटर्स जिन्होंने बहुत मेहनत की, आज वो बहुत इस बात को लेकर सुकून महसूस कर रही होंगी कि आज जो है ये बिल 27 सालों के बाद लोकसभा के अंदर जो है वो आया है। सभापति महोदय, एक जिक्र जरूर करना चाहूंगी मातंगिनी हाजरा जी का। 1942 के अंदर जब क्विट इंडिया मूवमेंट आया, उन्होंने 5000 गांव वासियों को एकत्रित किया और जब अंग्रेजों ने देखा कि 5000 जो है वो भारतीय इस तरह से एकत्रित हो गए हैं तो उन्होंने गोलियां चलानी शुरू कर दी। सभापति महोदय, मातंगिनी हाजरा जो थी उनके हाथ में तिरंगा था, एक एक करके 3 गोलियां उनको लगी लेकिन वो जमीन पर गिर गई, उन्होंने तिरंगे को नीचे नहीं गिरने दिया। ऐसी ऐसी हमारी फ्रीडम फाइटर, हमारी जो महिला वीरांगनाएं हैं, उन्होंने इस देश के लिए अपनी कुर्बानी दी है। तो मैं सभापति महोदय ये कहना चाहती हूँ कि हम आज जो इस बिल को लेकर आए हैं, हमें हर किसी को दलों से ऊपर उठकर इसका समर्थन करना चाहिए। नाउ प्लीज कंक्लूड मैम। सभापति महोदय, मैं अपने पार्टी की तरफ से दूसरी बोलने वाली हूँ। आप इट्स ओके, इट्स ओके। नहीं, मुझे समय दिया गया है। प्लीज 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 सभापति महोदय, मुझे बोलने दीजिए। ये महिलाओं का बिल है और आप अगर महिलाओं को ऐसे रोकेंगे तो मुझे लगता है बहुत सी महिलाओं को इसमें तकलीफ होगी। इट इज अ क्वेश्चन ऑफ द एलोकेशन ऑफ द टाइम बाय द पार्टी। प्लीज सभापति महोदय, महिलाओं के बारे में आप इनको प्लीज मुझे समय दीजिए। प्लीज प्लीज सभापति महोदय, मैं ये कहना चाहती हूँ कि महिलाओं के बारे में सबसे ज्यादा अगर किसी ने चिंता की तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने की, ज्योतिबा फुले ने की, सवित्रीबाई फुले ने की। बाबा साहब ने कहा था कि आई मेजर द प्रोग्रेस ऑफ अ नेशन बाय डिग्री ऑफ प्रोग्रेस इट्स वुमेन हैव अचीव्ड। और अब अगर किसी ने चिंता की है तो हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने की है। 2007 के अंदर जब वो गुजरात के अंदर मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने वुमेन को, महिलाओं को जो है वो रिजर्व गार्ड, जो वहां पर जो गार्ड है फॉरेस्ट गार्ड वहां पर नियुक्त किया। सभापति महोदय, वो ऐसा क्षेत्र था जहां पर पुरुष प्रधान पुरुष क्षेत्र है लेकिन फिर भी महिलाओं को 2007 के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस समय में जो है वहां पर नियुक्ति दी थी। और आज अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आप ये देखिए कि हरियाणा की धरती से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया गया। और उस समय में 2014 के अंदर जो सेक्स रेशो 918 पूरे भारतवर्ष के अंदर था, आज 2022-23 के अंदर वो 933 है। और हरियाणा के अंदर जो 871 था, आज वो 923 है। माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहती हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच है, जो हृदय से जो बात कहते हैं, वो सब के सब लोग इस तरह से उसको हृदय से मानते भी हैं। इसके साथ साथ मैं कहना चाहती हूँ सभापति महोदय कि हमारे मंत्रिमंडल में आज 12 महिलाएं हैं, हमारे सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। और 2014 के जब हमारी सरकार बनी थी तो उसमें सबसे बड़े मंत्रालय जो है वो चाहे विदेश मंत्रालय था चाहे वो उसमें रक्षा मंत्रालय था, वो महिलाओं के पास था। आज सबसे ज्यादा राज्यपाल जो है वो हमारी सरकार में है। ये ओहदे ही हैं जो बताते लफ्ज़े बयां को खास, ये ओहदे ही हैं जो बनाते हैं लफ्ज़े बयां को खास, वरना कौन सुनता है यहाँ औरत की बात। माननीय सभापति महोदय, इसके साथ साथ मैं आपको कहना चाहती हूँ कि इसलिए ये जरूरी है कि ओहदे मिलने चाहिए, राजनीति के अंदर महिलाएं आगे आनी चाहिए, नहीं तो उनकी बात कोई नहीं सुनता है। सभापति महोदय, मैं कहना चाहती हूँ 2004 के अंदर यूपीए सरकार जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के अंदर जो है वो सबसे पहले उन्होंने रखा था कि हम वुमेन रिजर्वेशन बिल लेकर आएंगे। और 2006 मई 2008 के अंदर राज्यसभा में टेबल किया गया और उसके बाद 9 मई 2008 को स्टैंडिंग कमेटी को भेज दिया गया। 17 दिसंबर 2009 को स्टैंडिंग कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी और फरवरी 2010 को यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल दी। सभापति महोदय, 9 मार्च 2010 को राज्यसभा में पास किया गया 186-1 को लेकर। मैं सबसे पहले तो बल्कि ये देखना चाहती हूँ कि वो एक महानुभाव कौन था जिसने महिला रिजर्वेशन बिल के खिलाफ वोट किया। इसके साथ सभापति महोदय, मैं कहना चाहती हूँ कि लोकसभा में
ये रिपोर्ट किया गया, समाप्त कीजिए प्लीज, एक मिनट के लिए सभापति महोदय, सिर्फ मेरे को दो मिनट और चाहिए। कम्युनिकेट किया गया लेकिन उसके ऊपर उसको कंसीडर नहीं किया गया, इस बात का जवाब कांग्रेस पार्टी को देना पड़ेगा। थैंक यू। ये क्यों श्रीमती वीणा देवी जी, सभापति महोदय लास्ट में मैं कहना चाहती हूँ कि देखिए महिलाएं जो है, लास्ट में बस एक बात कहना चाहती हूँ, एक सेकंड मिला जी, कि जो ये बिल लाया गया है इसमें हर दल से ऊपर उठ के सभी महिलाओं को जो है वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। बहुत अच्छी एक छोटी सी कविता दो लाइनों में खत्म करना चाहती हूँ, जिसको अमिताभ बच्चन जी ने गाया है कि तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। धन्यवाद। जो तुझसे लिपटी बेड़ियां, जो तुझसे लिपटी बेड़ियां, समझना इनको वस्त्र तू, ये बेड़ियां पिघाल कर बना ले इनको शस्त्र तू, तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। बहुत बहुत धन्यवाद सभापति। धन्यवाद धन्यवाद श्रीमती वीणा देवी जी। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार द्वारा प्रस्तुत नारी शक्ति वंदना अधिनियम के पक्ष में बोलने के लिए खड़ी हुई हूँ। महोदय, सांसद एवं विधानसभा में महिला शक्ति की चर्चा कई बार कई दशकों से होती आ रही है, लेकिन आज ये शुभ घड़ी आ गई कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने हिम्मत दिखाई और सदन में इस बिल को प्रस्तुत किया है, कर दिया है। महोदय, जब हमारी सरकार के मुखिया आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को शुरू से के दिनों में ही जब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संकल्प लिया और महिला के सम्मान और सशक्तिकरण की दिशा में अनेक कदम उठाना शुरू किए, तब से हमें विश्वास हो गया था कि राजनीतिक में महिलाओं को उचित सम्मान और उचित भागीदारी यही सरकार दे सकती है, क्योंकि इस तरह के साहसी कदम उठाने का जोखिम किसी के बस की बात नहीं थी। आखिर मोदी जी हैं तो मुमकिन है, ये विचार ऐसे ही नहीं पैदा होती है। समाज में महिला और पुरुष दो धुरी की जो मिलन है, समाज और राष्ट्र का निर्माण समान रूप से कर रही है। जब तक ये दोनों धुरी समान रूप से नहीं चलेगी, समाज का विकास नहीं हो सकता। परंतु पुरुष के समान के महत्व हमारे समाज में ज्यादा रही है, लेकिन ये याद रखना होगा कि ये स्त्री की पूजा होती है, यहाँ जहाँ देवी देवता वास करते हैं। जहाँ स्त्री के पूजा नहीं होती वहाँ सम्मान नहीं होता, वहाँ किए गए अच्छे कार्य भी नष्ट हो जाते हैं। महोदय, ये हमारी भारतीय संस्कृति रही है और सरकार के इस बिल के माध्यम से साबित कर दिया है कि संविधान में सम्मान लिंग भेद से वंचित नहीं किया जा सकता है। जहां महिलाओं देवी देवता के रूप में लोग पूजते हैं, काली दुर्गा के रूप में पूजते हैं, वही महिलाओं का सम्मान होता है। आज हमारे जो मोदी जी हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री जी, देश के महिला के लिए जो काम किए हैं, सोचे हैं, 27 साल से बिल पड़ा हुआ अंधर में लटका हुआ बिल जो पटल पर रखाया है, आज पास होने वाला है। मैं इस बिल को अपने पार्टी के तरफ से समर्थन करती हूं और एनडीए के तरफ से भी समर्थन करती हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट स्पीकर श्रीमती सुप्रिया सुले जी। गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू स्पीक, थैंक यू सर फॉर स्पीकिंग, यू आर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू स्पीक ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन 128th अमेंडमेंट बिल 23. Sir, I stand on behalf of the Nationalist Congress Party in full support of this bill. But there are a few points that I would like to raise as seek clarification from the government. First of all, today when we read the newspaper, sir, this morning, there were two major points which were covered in every newspaper today. I don't want to go away from the spirit of the bill, but I would like to put a few things which are really critical in the nation today. Every newspaper today has complimented all the governments who have brought this bill at various times. But there is another small piece of information on every front page of the newspaper today, which is about the incidents that happened in Canada. So I think since this is a special session and it's only for 5 days, I request the government to debate a few topics which are equally relevant as today's. One is the Canadian issue. Yes. The second is Maharashtra today, the state which I come from, sir. Waha
मराठा आरक्षण, धनगर आरक्षण, लिंगायत आरक्षण और मुस्लिम आरक्षण, ये चारों आरक्षण, जैसे महिला आरक्षण का मामला बहुत ही अच्छा है, मैं तहे दिल से उसका स्वागत करती हूँ। उसी I'm only saying कि मराठा, धनगर, लिंगायत और मुस्लिम आरक्षण का भी हमारे यहाँ बहुत बड़ा चल रहा है आज, तो उसके लिए भी अगर द गवर्नमेंट इज ओपन वी आर वेरी हैप्पी टू डिबेट इट। द अदर प्रॉब्लम इज इवन अबाउट अनियंस, इन्फ्लेशन, ड्राउट, बहुत सारे इंपॉर्टेंट इश्यूज है, तो अगले दो दिन दिन में अगर ये ले ले तो हम सब सरकार का साथ देंगे। सर, द ऑनरेबल अमित शाह जी, व्हेन ही करेक्टेड वन ऑफ हिज स्पीकर्स, ही वाज वेरी ग्रेसफुल एंड ही सेड व्हाई कांट मेन, भाई भी कर सकता है। जी हाँ, सही बात है, हर घर घर में ऐसे भाई नहीं होते जो बहन का सब अच्छा कल्याण देखते हैं, बट दैट इज वेरी काइंड ऑफ हिम टू से दैट, हर की तकदीर इतनी अच्छी नहीं होती, बट फिर भी द मेन, आई नेवर से ऑलवेज से देर आर टू व्हील्स फॉर अ साइकिल टू वर्क, सो मेन आर इक्वली इम्पॉर्टेंट, एंड आई वुड लाइक टू अबाउट द मेन विच इज इन्फ्लुएंस आवर लाइफ एज वुमेन, इट वॉज बी आर अम्बेडकर हु गेव अस अ राइट टू वोट, इट वॉज महात्मा फुले, ही मेड श्योर गेव अस एजुकेशन, एंड अ वुमन लाइक मी स्टैंड्स हियर एजुकेटेड एंड क्वालिफाइड बिकॉज ऑफ वॉट ही कॉन्ट्रीब्यूटेड, एंड द वुमेन पॉलिसी विच वॉज फर्स्ट, आई से दैट विद एक्सट्रीम प्राइड इन माई हार्ट, that the women policy which was started by, she initiated in the Congress with the, under the leadership of Shri Rajiv Gandhi, it was, I was fortunate enough to say, it's my father Sharad Pawar who in Maharashtra was the first state to implement Panchayat Raj 33% reservation, and it's about the girl child, I mean Sunita Dugal ji was talking about the issues that women have. Fortunately I was born in a very liberal home, my father and my mother, there was only one condition my father laid to my mother, that if we have a child, whatever the gender, it can be any gender, a girl or a boy, but we are not going to have more than one child, and I was born, and my father after that did the family planning, not my mother. So I really say this, it was 50 years ago, 5 decades, when nobody talked about Beti Padhao or Beti Bachao. I come from a family, and same is applicable to my friend Kanimoli. Her mother also chose to have only one child, as her parents have had. So we come from these families. You also, Raja ji also has only one child, one daughter. So we are very lucky about, you also have one daughter. This is a great house where we are blessed that with decades we are genuinely liberal. We are not looking for one. There are many families which come from this kind of liberal modern thinking where we are not trapped into genders. Sir, this is a big social change that we came in. I would like to bring few points to notice which I think Nishikant Dubey ji, the lead speaker, I mean, I don't get into the gender, so I'm not affected whether he led the debate from BJP or he did. But I want to ask some clarifications to BJP. I felt, these were my emotions, that BJP was taking anticipatory bail by making him lead from the front this time in the debate. The reason of the anticipatory bail was he was asking us all the questions which we have raised or which have come in newspapers or what people have said yesterday. He yesterday said, ये तो ST SC OBC का अभी मांग करेंगे, क्यों नहीं मांग करेंगे सरकार से, हम लोग ऑपोजिशन मांग नहीं करेगी तो कौन करेगा, एंड वाई नॉट, दिस इज अ ग्रेट गोल्डन अपॉर्चुनिटी ऑन 303, दे दीजिए, नथिंग रॉन्ग, सो वाई इज इट दैट वी आर ओनली आस्किंग फॉर समथिंग, बड़ा दिल करके आप ST SC OBC, लेट्स मेक अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इट्स अ स्पेशल सेशन, लेट्स सेंड अ मैसेज टू दिस नेशन दैट वी आर कमिटेड टू ST SC एंड OBC, व्हाट इज रॉन्ग विद दैट, एंड इफ दे हैव अ डिफरेंट व्यू BJP मस्ट क्लैरिफाई दैट स्टैंड। अनदर पॉइंट सर विच इज वेरी कंसर्निंग विद व्हाट ही सेड वॉज, he said that Geeta Mukherjee, Sushma Swaraj, he's absolutely right, I have high regard for Sushma ji in my heart, but what he mentioned another person was Brinda Karat ji, aapko yaad hoga 2010 mein Brinda Karat ji also contributed substantially, there are a lot of women who did exceptionally well for bringing in this bill. No, I am not yielding, please, the whole sisti is that Pramila Dandavate from Rajya se main aati hu, Pramila Dandavate in 1996 got the first private members bill, and women like Mrunal Gore, Ahilya Rangnekar, Geeta Mukherjee, Margaret Alva, I was fortunate enough that Nitish Kumar ji, Girija Vyas, Sharad Pawar, Sushma Swaraj, Mamata Banerjee, Meera Kumar, Uma Bharti ji, for all the people who were in those bill who contributed to making sure this bill came into light, sir. I have a few questions to ask. Two questions I have to ask, yes, very, very short, sir. I will ask the government. So I'm concluding, sir. Just started. Yeah, and that too is our bill. Please don't sir, make such comments. I have a question to ask him, Nishikant ji, for one more. He said
that we are on a side, India is on a side of people who ran women down and spoke derogatory. I would like to ask the BJP, and this is my own case, this is not somebody else's case I'm fighting for. The BJP had a head who was the head of the BJP in Maharashtra. He told me personally on record on television that Supriya Sule, ghar jao, khana banao, desh koi aur chala lega, hum log chalange. This is what the BJP's mindset is. Another minister in their cabinet has used a derogatory word against me. So BJP, jawab do, jab hamara kuch keh raha hai, to India kharab hai. Aapke mantri personal comments karte hai, personally on elected women member. I didn't even react. It was not even worth reacting. So I did not say or raise it. But since he brought it up, I just wanted to square it. Ki aap kare to theek aur hum kare to galti, that way. The rule has to be the same for everybody. Another question I want to ask, just out of curiosity, I appreciate their entire speech and the questions. There's a, unless we have delimitation and census, we are not going to get it, is what I've understood from them. Yes. So then what is this special session? So abhi nahi karte, to December mein kar lete. We could have had other discussion. There's drought in this country. Why this special session cannot discuss drought? We could have died hoodwinking. So my question to this government is that date of the next census is indeterminate. The date of the next delimitation is indeterminate. So in the reservation, which is dependent on two indeterminate dates, how are we going to get it? There is no dates only decided for census or for delimitation. So what is the date and the timeline for this? So I can't understand what this is. I'd like to quote the Mahatma Gandhi in this. When the Cripps mission, sir, if you remember, you're such a learned member, he had mentioned when the Cripps mission had happened that post-dated check drawn from a crashing bank. That's what I felt when I saw this. Thank you. Is this the post-dated check given by them? Thank you very much. And Meghwal ji made a last two comments. Last, very short points. Very, very short points, sir. That the Meghwal ji said that Lok Sabha mein aayega, Rajya Sabha mein nahi aayega. Lekin he said states mein aayega, MLC. That's 303. They're 303 here and they're 200 in my state. Jod tod ke har rajya mein unki sarkar hai ab. So why don't they do that? If we didn't, we failed, I accept we failed. So then what is the difference between you and us then? So if they want to be the change, what they say, so they should apply it in Rajya Sabha. We will support it. I'm sure the entire India we will support Srimati, it. Sir, the only last very short point, I would like to quote the Jawaharlal Nehru Pandit ji, the first Prime Minister. You can tell the condition of the nation by looking at the status of the women in the state, sir. So even today, the record of Maharashtra, and my friend Kakoli Ghosh talked about the state and the crime against women. I very humbly would like to tell them that what you're giving in decision-making as power, we welcome it wholeheartedly, but this house in one voice must say the crime against women has to stop. And together, today's Maharashtra data says, and they have a home minister there in Maharashtra, where it has gone up exponentially high. So the way we are looking at decision-making and power to women, we must even talk about crime against women, and the whole of parliament must condemn it and make sure it comes down to zero. Thank you, Srimati Dimple Yadav. I congratulate the government for bringing this government, and I support it. Thank you, sir. धन्यवाद सभापति महोदय कि आपने मुझे एक अवसर दिया इस विधेयक पर बोलने के लिए. नारी शक्ति वंदन विधेयक. समाजवादी पार्टी की हमेशा से यह मांग रही है कि पिछड़ा वर्ग महिला तथा अल्पसंख्यक महिला को भी इसमें सम्मिलित किया जाए, इसमें उनको आरक्षण दिया जाए. सर, लोकसभा और विधानसभा में तो यह बिल लागू होगा, लेकिन हम ये पूछना चाहते हैं कि राज्यसभा और विधान परिषद में भी लागू होगा कि नहीं लागू होगा. 13 साल से यह बिल अटका हुआ था सर, और लगभग एक दशक पूरा होने जा रहा है भाजपा की सरकार को, और इस एक दशक में जब लगभग पूरा होने जा रहा है तब इस सरकार को महिलाओं की याद आई है. तो आखिर क्यों, जब यह 10 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं सरकार को, तो महिलाओं की याद आई है अब. सर, मेरा यह सवाल है कि आने वाले चुनाव में यह लागू हो पाएगा कि नहीं लागू हो पाएगा, और जो विधानसभा के भी चुनाव होने जा रहे हैं, जो 5 राज्यों में होने जा रहे हैं, उसमें यह लागू हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा यह महिला विधेयक बिल. सर, सवाल यह भी है कि जनगणना कब होगी, और यह सवाल इसके साथ यह भी है कि यह सरकार जातिगत जनगणना कराएगी या नहीं कराएगी. इसी के साथ सर, सवाल यह भी है कि परिसीमन कब होगा, और परिसीमन के आधार पर ही आरक्षण महिलाओं को मिला जाएगा.
सर प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हमें सिद्धि की बात करी थी सर, तो साधना से ही सिद्धि की प्राप्ति होती है और असली साधना तभी होगी जब हम महिलाओं को उनका पूर्ण आरक्षण देंगे, जब हम ओबीसी महिलाओं को इसमें इंक्लूड करेंगे, जब हम SC/ST महिलाओं को इसमें इंक्लूड करेंगे और जब हम अल्पसंख्यक महिलाओं को भी इसमें इंक्लूड करेंगे, सम्मिलित करेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री जी खुद 3 तलाक की बात करते हैं, तो मुझे पूरा भरोसा है कि इसमें अल्पसंख्यक महिलाओं का भी मान और पक्ष रखा जाएगा। सर जहां हम बात कर रहे हैं आज महिला विधेयक बिल की, तो विदाउट रेवोल्यूशन एवोल्यूशन इज नॉट पॉसिबल एंड फॉर एवोल्यूशन टू टेक प्लेस इन आवर कंट्री इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट द ओबीसी वुमेन्स गेट देयर रिजर्वेशन, दैट द SC/ST वुमेन्स गेट देयर रिजर्वेशन एंड दैट द माइनॉरिटीज वुमेन ऑल्सो गेट दिस रिजर्वेशन सर। और सर मुझे पूरा भरोसा है सरकार पर कि समाजवादी पार्टी की जो यह मांग है वो इस पे श्रवण भी करेंगी, मनन भी करेंगी और इसका निधि ध्यासन भी करेंगी। सर मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी पिछड़ा वर्ग महिलाओं जो बहुत पिछड़ी हैं, जिनकी आप समझ नहीं सकते कितनी वो पिछड़ेपन से गुजर रही हैं, जैसे निशिकांत दुबे जी ने कहा था वो महिलाओं का दर्द समझते हैं, तो उनको पिछड़ी महिलाओं का भी दर्द समझना होगा। सर मेरा अनुरोध है सर कि आप हमारे मोस्ट ऑनरेबल मेंबर को ये कहिए कि वह किसी भी सदस्य का नाम जो सदन में मौजूद नहीं है वो ना ले और आने वाली कार्यवाहियों में भी ना ले। सर इन्हीं शब्दों के साथ सर समाजवादी पार्टी की मांग को मैं धराते हुए कि पिछड़ा वर्ग की महिलाएं, अल्पसंख्यक महिलाएं और SC/ST महिलाओं को भी आरक्षण मिलना चाहिए, मैं अपनी बात को समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। श्रीमती जनको मीना जी श्रीमती जनकाउ मीना जी बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सभापति जी। आज मैं अति महत्वपूर्ण बिल जो नई संसद में पहला बिल पेश हुआ महिला शक्ति वंदन अधिनियम 2023 हृदय से पूरे देश की माता बहनों और नारी शक्ति की तरफ से मैं धन्यवाद देती हूं और वंदन करती हूं कि बाबा साहब अंबेडकर के सपने को साकार करने के लिए आज ये भावना हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हृदय में उत्पन्न हुई और उन्होंने उनके द्वारा निरंतर प्रगति के पथ पर चलने का जो प्रयास उनका है उसमें एक मील का पत्थर साबित होगा। जिस तरह से बाबा साहब चाहते थे कि मिटे विषम समरसता लय हो, भेद अरमानों के नए क्षितिज पर नया उदय हो, इस भाव को लेते हुए इस विषमता की खाई को पाटने के लिए कि जब एक तरफ कहते हैं कि स्त्री और पुरुष एक रथ के दो पहिए हैं और ये सक्षम पहिए एक दूसरे को साथ देते हुए आगे बढ़ते हैं, इसी गति को ध्यान में रखते हुए मैं याद करना चाहूंगी माननीय सुषमा स्वराज जी जो अब नहीं हैं, जिन्होंने 2000 में इस बिल को जब पेश किया मैं साक्षी थी उस समय, जो अभी मेरे से पहले पूर्व वक्ता बोलकर गई हैं, उनकी पार्टी ने हाथ से लेकर उन पत्रक को फाड़ दिया था, बिल को फाड़ दिया था। इसके अतिरिक्त कई भाई बहन ऐसे हैं जिन्होंने अपने वक्तव्य में इस बात को दोहराया, लेकिन माननीय सभापति जी मैं आपके माध्यम से कुछ बात कहना चाहूंगी कि जिस तरह से भाई निशिकांत जी जब बोल रहे थे तो उस समय एक प्रश्न उठाया कि महिला क्यों नहीं बोल रही। मैं ये कहूं कि जब रथ का पहिया दोनों पहिए बराबर हैं, दोनों की सक्षमता से रथ चलेगा और इस भाव को मद्देनजर रखते हुए यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने ये कल्पना साकार की और उस साकार करने के साथ मैं याद दिलाना चाहूंगी उनको कि भाई की कलाई पे जब राखी बांधी जाती है तो केवल वो राखी स्वयं की रक्षा की नहीं बल्कि वो संपूर्ण समाज की रक्षा और अपने भाई की दीर्घायु और स्वास्थ्य की कामना करती है। मैं ये कहना चाहूंगी कि नारी की सक्षमता पर हमें प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना, नारी सक्षम है
इसके अनेक उदाहरण आज हमारी वर्तमान लोकसभा में, चाहे रक्षा मंत्रालय संभालना हो, चाहे वित्त मंत्रालय संभालना हो, चाहे हमारा स्वास्थ्य मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय संभालना हो, सक्षम नारियां, सक्षम महिलाएं, सक्षम हमारी मंत्री बहनें इस काम को संभाल रही हैं। इसलिए कोई ये सोचे कि हमारी नारी सक्षम नहीं, वो सक्षम है, स्वस्थ है, सार्थक है, उन्नतिशील है और भारतीय संस्कृति में पली बड़ी है। भारतीय संस्कृति में पली बड़ी नारी भारत के वर्चस्व को और भारत की परंपराओं को समझती है। मैं ये कहना चाहूंगी कि इस बिल में जिस तरह से ये सभी जो ये तीनों जगहों लोकसभा, राज्य विधानसभा, दिल्ली विधानसभा के कुछ स्थानों के यथाशक्ति एक तिहाई बहनों को आरक्षण देने का जो प्रावधान इस बिल में किया गया है वो वाकई में प्रशंसनीय है। लेकिन इसके साथ साथ मेरा ये भी निवेदन होगा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को संविधान ने जो सुरक्षा दी है वो सुरक्षा बदस्तूर बनी रहे। अनुसूचित जनजाति की मैं स्वयं हूँ और मैं ये कहना चाहूँ कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने अनुसूचित जाति और जनजाति को केवल वोट बैंक नहीं समझा। जब 13वीं लोकसभा में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मंत्रालय का दायित्व भी मुझे दिया, उस समय भी मुझे ये अनुभव था कि भारतीय जनता पार्टी महिलाओं की सर्वोच्च उन्नति और सम्मान के प्रति काफी चिंतित है और उस चिंता को आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने सफल करके दिखाया है। अभी पश्चिम बंगाल से बहन बोल रही थी और वो बोल रही थी लेकिन उसको ये नहीं पता कि आपके राज्य ने हमारी स्वास्थ्य बीमा योजना को लागू ही नहीं किया, दिल्ली ने लागू ही नहीं किया, उड़ीसा ने लागू ही नहीं किया और भारत सरकार की महिला समृद्धि योजनाओं को लागू करने में इतने वो पीछे क्यों हैं। यदि वो महिलाओं की प्रगति को देखना चाहते हैं तो उस प्रगति में महिलाओं से संबंधित भारत सरकार की योजनाओं को अक्सर से लागू करना चाहिए था। मैं एक बात और आपके माध्यम से ध्यान में लाना चाहूंगी कि 75 वर्ष में 65 साल जिस पार्टी ने राज किया उस पार्टी ने ये नहीं सोचा कि महिलाओं की प्रगति, महिलाओं का सम्मान, महिलाओं की उन्नति के लिए कोई कल्पना करे। और उस समय जब ये बात चल रही थी तो दिनकर जी ने भी ये बात लिखी थी कि अटका कहां स्वराज्य बोल दिल्ली तू क्या कहती है, अटका कहां स्वराज्य बोल दिल्ली तू क्या कहती है, तू रानी बन गई वेदना जनता क्यों सहती है। और यही नहीं सबके भाग्य दबा रखे हैं किसने अपने कर में, सबके भाग्य दबा रखे हैं किसने अपने कर में, उतरी थी जो विवाह बंदनी हुई बता किस घर में। एक ही घर में वो विवाह बंदनी हो गई और विवाह बंदनी होने से, वो आभा बंदनी होने से भारत का समुचित विकास, भारत की नारी शक्ति की उपेक्षा जिस तरह से की गई और जिस तरह से उसे कमजोर समझा। धन्यवाद। लेकिन गीतों में भी गाया है कि कोमल है कमजोर नहीं, कोमल है कमजोर नहीं, वो सत्य का नाम ही नारी है। जग को जीवन देने वाली, जग को जीवन देने वाली मौत भी उससे हारी है। मैं ये कहना चाहूंगी आपके माध्यम से कि महिलाओं के क्षेत्र में थैंक यू भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से वर्तमान लोकसभा में सक्षमता का परिचय दे रही है और जब ये आरक्षण लागू होगा तो हमारे पिछड़े वर्ग की, हमारी अनुसूचित जाति, हमारी जनजाति की बहनें आज भी जिस सक्षमता से खड़ी हैं और भी अधिक सक्षमता से खड़ी होंगी। अवसर मिलेगा तो निस्संदेह प्रगति होगी, महिला शक्ति उन्नत होगी। और मैं यही कहना चाहूंगी कि जो घर बार संभालती है, जो संतान को जन्म देती है और जो संतान का परवरिश करती है, सेवा शुश्रूषा करती है, वो देश और राष्ट्र की सेवा में भी पीछे रहने वाली नहीं है। मैं आज हम 82 बहने, आज 82 बहने संसद में हैं और 82 के 82 बहने सक्षमता से संसद के बीच में, संसद में कार्यवाही में भागीदार बनती हैं। तो आप ये मान लीजिए कि 75 वर्ष की इस लंबी अवधि में जब हम उस भवन में थे, उस भवन में जब बैठे थे तो हम केवल गिनते थे इशारों से कि इतनी बहनें बैठी हैं। और जब अब नई संसद में ये उद्घोष हो चुका है और ये आज इस बिल पर चर्चा हो रही है तो मुझे लगता है
कि संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा करते हुए, संवैधानिक व्यवस्थाओं को पूरा करते हुए जब ये कानून लागू होगा तो आज संसद के, इस संसद के अंदर 181 बहनें बैठेंगी, 181 और 181 बहनों का जो नेतृत्व इस देश की महिला शक्ति को मिलेगा, उनकी सक्षमता को मिलेगा, उनके शिक्षा स्वास्थ्य की उन्नति के लिए मिलेगा और इस राष्ट्र की प्रगति में भागीदार बनकर धन्यवाद मैम, धन्यवाद लगाएंगे। आप समाप्त कीजिए। एक ही बात कहना चाहूंगी अंत में, आप समाप्त कीजिए। एक बात कहना चाहूंगी आप, कि कुछ तो दूर देखता उड़कर, हमारी पुरानी 60 साल की सरकार को देख, कुछ तो दूर देखता उड़कर है, कितना विस्तृत आकाश, रे कपोत कुछ ही दानों पे करते क्यों जीवन का नाश, ये मैं कहना चाहूंगा। धन्यवाद, धन्यवाद। नेक्स्ट स्पीकर श्रीमती शर्मिष्ठा सेठ जी। सर, इट इज नॉट दैट एवरी डे दैट वी क्रिएट हिस्ट्री, दिस इज इंडीड ए हिस्टोरिक मोमेंट that in the new parliament building the first legislation that has come before the house is much awaited women reservation bill. But if this is history, our honorable chief minister of Odisha and Biju Janata Dal supremo Sri Navin Patnaik is the historian. The bill has seen the light of day only after the initiative of Sri Navin Patnaik ji. Our honorable chief minister has always wanted and worked for women reservations. In November 2000